मेरा ये महाराष्ट्र और पुणे में आया था, परसों पुणे था, कल मैं संभाजी नगर था, आज में कल मैं मुंबई आ गया था। मित्रों, जिस तरह से पूरे देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन पर लोगों को विश्वास है, और वो विश्वास इसलिए है कि आपने 2014 से पहले इस देश की स्थितियों को देखा है। 2014 से पहले इस देश के अंदर किस तरह की स्थिति थी आपने देखा होगा कि 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार की नई नई इबादतें लिखी जा रही थी। एक घोटाला आता था, दूसरा घोटाला उससे बड़ा आता था, तीसरा घोटाला उससे बड़ा आता था, चौथा घोटाला उससे भी बड़ा आता था। लगातार घोटालाओं का अंबार लग रहा था। पृथ्वी पर भी घोटाले, पाताल में भी घोटाले और आसमान में भी घोटाले। कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति जब पेपर पढ़ने समय बैठता था तो आतंकवाद और घोटाला नक्सलवाद को देख करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। पेपर आंखों के आंसुओं से गीला हो जाता। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश के घोटालों से मुक्ति मिली, देश को आतंकवाद से मुक्ति मिली, देश को नक्सलवाद से मुक्ति मिली। कांग्रेस हमेशा गरीब की बात करती थी, लेकिन गरीबी से कोई वास्ता नहीं था। आज हम कह सकते हैं कि 2014 के बाद गरीब कल्याण की योजनाओं ने मूर्त रूप लिया है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस गरीब कल्याण की परिभाषा को बदलने का काम किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहन, मैं अधिकतर कहता हूं आप सब मीडिया वालों से भी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि हम इस देश के नागरिक, मीडिया का भी काम है, मीडिया चौथा स्तंभ है। हम सबको क्या दिखाना है, क्या करना है, कैसे करना है, हमारा भी इस माटी के प्रति कर्तव्य है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, 2014 के बाद चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे देश का विकास हो, सीमाओं की सुरक्षा हो, या देश में बढ़ता हुआ हमारा गौरव हो, दुनिया में बढ़ता हुआ हमारा गौरव हो, यह आप सभी ने देखा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग हमेशा झूठ और लूट की बात कहते हैं। कांग्रेस हमेशा चुनाव आते हैं, उनके घोषणा पत्र बड़े लोहामने होते हैं, ऐसे होते हैं क्योंकि उनको काम नहीं करना होता है, सिर्फ उनको घोषणा पत्र जारी करना होता है। और वो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, वो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस के एक नहीं, दो, तीन, चार, पांच बार के आप घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए और आप उन पर विचार करिए, उनकी स्टोरी भी बनाइए कि उन्होंने हमेशा किस तरह की घोषणा करते हैं और उनको पूरा कितना करते हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 2014 में जो संकल्प पत्र जारी किया उसको 19 तक पूरा किया, और 19 में जो जारी किया उसको 2024 तक पूरा किया, और अब हमने 2024 तक जो संकल्प पत्र लाए हैं उसको भी हम पूरा करेंगे। आज आपके बीच में आया हूं
पहली बार मेरा मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंबई आना हुआ है। राजस्थान में मेरे को 90 दिन हमारी सरकार को काम करने का मौका मिला, क्योंकि आचार संहिता आ गई। 90 दिन के अंदर राजस्थान की सरकार ने वो काम किए हैं जो कांग्रेस 50 साल और 60 साल में नहीं कर पाई। कांग्रेस ने उन वायदों को खूब उड़ाने की कोशिश की, बजट में भी की, विधानसभा में की, चुनावों में भी उनको इस्तेमाल किया, लेकिन एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। क्योंकि आप सभी जानते हैं, कुछ मेरे मित्र पत्रकार राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, वो तो और भी अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान पानी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। राजस्थान के अंदर हमने 3 महीने के अंदर हमारी जो पूर्वी राजस्थान की 21 जिलों की जो हमारी योजना ERCP की थी, देश के सुशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका भी समझौता कराने का काम किया है। हमारा केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश से और राजस्थान सरकार मिलकर के वो योजना बनी है। 21 जिलों को पीने का पानी भी मिलेगा, 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई का पानी मिलेगा, औद्योगिक क्षेत्र के लिए पानी मिलेगा। इसी तरह से हमारे बहुत लंबे समय से यमुना जल समझौते की मांग चल रही थी, जो हमारे शेखावाटी के प्रमुख जिले हैं राजस्थान के, सीकर, चूरू और झुंझुनू, उनकी योजना थी 50 साल से अटकी हुई थी, उसको भी समझौते के माध्यम से उन तीनों जिलों को पानी पाइपलाइन के द्वारा उन तीनों जिलों को पानी मिलेगा, इसका भी समझौता हुआ है। कई ऐसे काम राजस्थान के अंदर जो हमने वायदे चुनाव में किए थे, हमने लगभग 40-45% तक के वायदे हमने राजस्थान में 90 दिन में हमने पूरा करने का काम किया है। आज मैं ये कह सकता हूं कि देश हो या प्रदेश हो, देश के सुशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस हमेशा स्वार्थ की राजनीति करती है, परिवारवाद की राजनीति करती है, अफवाहों की राजनीति करती है। आज आपने देखा है कि किस तरह से कहां तक कांग्रेस पहुंच गई। भ्रष्टाचार तो करती है, लेकिन जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद और अब सबूत तो वो रंगभेद की नीति पर भी आ गई। लोगों की पहचान कहां किस तरह से कर रहे हैं, कहां तक पहुंच गई, क्या है, क्या स्थिति बनाना चाहते हैं वो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, कांग्रेस हमेशा जिस तरह की बात चुनावों में करती है, कांग्रेस ने इस देश को कमजोर करने का काम किया है, तुष्टीकरण के आधार पर चलने का काम किया है, भ्रष्टाचार के आधार पर चलने का काम किया है। सही माने में हम कहें तो कांग्रेस इस भ्रष्टाचार की जननी है। मैं आपसे के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं। कल मैं मुंबई में एक कार्यक्रम मेरा था, दो कार्यक्रम थे, आज भी मेरे कार्यक्रम हैं। मैं जिस तरह का उत्साह और वातावरण महाराष्ट्र के अंदर देख रहा हूं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और NDA बहुत बड़े बहुमत के साथ महाराष्ट्र में भी जीतेगा, और जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो मोदी जी 400 पार जाएंगे। ये जनता के मन की बात जो है, क्योंकि जनता को एक विश्वास हो गया है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जनता में विश्वास है। मैं कई प्रदेशों में जाना हुआ है, बंगाल में हमारी सीटें बढ़ेंगी, झारखंड में हमारी सीटें बढ़ेंगी, तेलंगाना में हमारी सीटें बढ़ेंगी, आंध्र में हमारी सीटें बढ़ेंगी, उड़ीसा में हमारी सीटें बढ़ेंगी, और जितने भी हमारे प्रांत में सीट हमारी बढ़ेंगे। और राजस्थान का तो आपने देखा है, 2014 में भी 25 में से 25 सीट आई थी, 2019 में भी 25 में से 25 सीट आई थी, और अब की बार भी
25 में से 25 ही राजस्थान के अंदर आएंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 4 जून को 4 से 5 होंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3री बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नहीं, वो आप पार्टी की चिंता करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की चिंता करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं 3री बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और ये अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं कि आप अन्ना हजारे जी के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए थे, आप कहां से कहां पहुंच गए, आप कहां से कहां पहुंच गए, आप अखंड भ्रष्टाचार में डूब गए। आपको ये नहीं पता है कि आप जमानत पर हैं, जो स्वयं व्यक्ति जमानत पर है वो किसी को क्या कहेगा। विपक्ष का सीधे कहना है कि इस बार महाराष्ट्र में जिस तरीके से पार्टियां तोड़ने का काम बीजेपी ने किया है उसका कहीं ना कहीं उनको घाटा होगा और यहाँ पर महाविकास अघाड़ी की जो सरकार है मजबूती के साथ में आगे आएगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। ये जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की बातें, कांग्रेस के पास और है क्या, वो इसी तरह की बात करते हैं, उनसे जो घटक है वो भी इस तरह की बात करते हैं। कभी उन्होंने राष्ट्र के बारे में सोचा है क्या? सिर्फ परिवार की बात करते हैं, वो परिवार के बारे में सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के बारे में विचार करके फैसला करती है। आप 2 दिन से, आज दूसरा दिन है, मुंबई में है, राजस्थानी लोगों से मिल रहे, प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, राजस्थान को लेके सरकारों का वादा ही रहा है, आप कोई विशेष योजना ला रहे हैं, विंडो ला रहे हैं, कोई प्रवासियों के लिए मिनिस्ट्री खोल रहे हैं, क्या करने वाले हैं? देखिए, आज मैं कुछ बातें मैंने मेरे प्रवासी भाइयों से कहा है, आचार संहिता है, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे ये पता है कि पूरे देश भर में और दुनिया में जो मेरे राजस्थान के प्रवासी भाई हैं, मैं इतना कह सकता हूं जो उनके मन में सरकार के प्रति जो भाव है, उनके मन में सरकार के प्रति जो लगाव है, निश्चित रूप से उनकी भावनाओं के अनुरूप पूरा काम करें। मुख्यमंत्री जी, आपने भ्रष्टाचार की बहुत सारी बातें कही है, चुनावी बोर्ड को लेकर के आपका क्या सोचना है? सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक गैर कानूनी करार दिया। क्या जी? चुनावी बॉन्ड जी, जिससे चंदा लिया है। चंदा, देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यह आप निश्चित रूप से मानिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा काम नहीं करती। और दूसरी बात, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आप हमारा जो काम है वो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से फेयर काम है, और वो फेयर काम जो करता है वही बोलता है। सुप्रीम कोर्ट ने गलत काम किया। अगला, नेक्स्ट। सर, जिस तरह से बात करें तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार, उद्धव ठाकरे ने इस पर नया नारा दिया है कि मोदी सरकार इस बार 400 पार नहीं, तड़ी पार, महाराष्ट्र से तड़ी पार। देखिए, उनके पास कहने को ही तो है, उनके पास कहने को है, करने को कुछ नहीं है। नेक्स्ट। बार बार प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं, मापदंड भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र बीजेपी का भरोसा नहीं है प्रोग्राम में जाने। देखिए, चुनावों में तो सभी को आना होता है, सभी जगह जा रहे हैं, या तो नहीं सभी जगह जा रहे हैं, सभी लोग जाएंगे, कौन नहीं आ रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत।